हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर में एमए हिस्ट्री एमएचआई 101 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एमए हिस्ट्री का सिलेबस चेंज हो चुका है। कुछ नए बुक्स एमए हिस्ट्री के अंदर में ऐड किए गए हैं। जो पुराने बुक्स थे उसके अंदर में से कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स को हटाया गया, रिमूव किया गया है। साथ साथ में कुछ चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा लेंथी थे उसको पार्ट्स में बांटा गया है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम एम ए हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो पहले जो एम ए हिस्ट्री का कोर्स पूरा हम जो स्टडी करते थे वो एनुअल मोड में स्टडी करते थे। साल में एक बार एग्जाम होता था, उसके हिसाब से हम स्टडी करते थे। अभी हमें स्टडी का पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एम ए हिस्ट्री का जो कोर्स है अभी हमें सेमेस्टर मोड के अंदर में स्टडी करना है। सेमेस्टर वाइज हमें एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। चलिए, तो आज का हमें वीडियो के अंदर में एम एच आई 101 का सिलेबस के डिटेल में समझते हैं। और इस पूरे वीडियो को हम तीन सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। पहला सेगमेंट ये रहेगा कि हमारा नया सिलेबस क्या है एमएचआई 101 का। दूसरा सेगमेंट ये रहेगा कि पुराने सिलेबस से कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं। तीसरा सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे कि हम इसकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। तीसरा सेगमेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर में कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है। पहले क्या होता था, प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक मिल जाती थी, जिसमें नीरज की बुक आती थी, ठीक है, गुली बाबा की बुक आती थी, और भी बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशंस होते थे, उनकी बुक्स अवेलेबल होती थी और उसके थ्रू हम स्टडी कर सकते थे। पर अभी कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक मार्केट के अंदर में मौजूद नहीं है। दूसरा, यहाँ पे क्या होता था, ई ज्ञान कोर्स की साइट पे से आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते थे। पहले सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी स्टडी कर लिया जाता था, पर अभी सॉफ्ट कॉपी जो न्यू सिलेबस का है वो मौजूद नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि इग्नू के थ्रू जो बुक रिसीव होती थी, जो ओरिजिनल बुक रिसीव होती थी इग्नू से, अभी तक स्टूडेंट्स को वो बुक रिसीव नहीं हुआ है। और कब तक रिसीव होगा उसका कोई आइडिया नहीं है। न्यू सिलेबस की बुक किसी के पास अभी है नहीं, तो उसके लिए भी हमें कैसे स्टडी करना चाहिए, ये तीसरा सेगमेंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है आपके लिए। चलिए, यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो स्क्रीन पे, जो आपकी पीडीएफ दिख रही है, एमए हिस्ट्री एमएएचआई, ठीक है, ये प्रोग्राम गाइड है एमए हिस्ट्री का, जो आप इग्नू के साइट पे से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है, वहाँ से भी ले सकते हो। इसके अंदर में सब भी जो पूरे कोर्स से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो दिया गया है। आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट करके इजीली आप चीज़ों को समझ सकते हो। चलिए, डायरेक्ट हम अपने सबसे पहले सिलेबस के ऊपर जाते हैं और समझते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है और क्या कहता है। ठीक है, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस के अंदर में देखें तो सबसे पहला जो बुक आता है आपका, ठीक है, एमएचआई 101, ठीक है, जो सेमेस्टर फर्स्ट का सबसे पहला बुक है, जिसके अंदर हम बात करते हैं एशियंट एंड मिडाइवल सोसाइटीज़ के बारे में। ठीक है, प्राचीन और मध्ययुगीन समाज के बारे में। प्राचीन समाज किस प्रकार का था और मध्ययुगीन समाज किस प्रकार का था, और किस तरह से, मतलब एक प्राचीन से मध्ययुगीन समाज विकसित हुआ, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड की ओर किस तरह से अग्रसर हुआ, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। देखो, पहले जो ये बुक था सिर्फ एक दायरे तक सीमित था, जहाँ पे आप प्राचीन समाज के अंदर में क्या परिवर्तन हो रहे थे, धीरे धीरे क्या चेंजेस होता गया, समय के साथ में कैसे परिवर्तित होता गया, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते थे। और 8 क्रेडिट के अंदर में हम पढ़ते थे। 8 क्रेडिट की पहले बुक होती थी, अब यहाँ पे हम 6 क्रेडिट के अंदर में सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर में पढ़ने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में जाकर होने वाला है। ठीक है, तो टाइम कम है। पहले इसी बुक को हमें पढ़ने के लिए साल भर का टाइम मिलता था, अब यहाँ पे 6 महीने का टाइम है। और 6 महीने के अंदर में आपको पूरी बुक को पढ़ना भी है, पढ़ने के बाद आपको एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें रहती हैं। अब देखो, कुछ चीज़ें जो आपको इस बुक के बारे में समझनी चाहिए। पहले ये जो बुक थी वो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में कवर था, और एक बुक ख़त्म होने के बाद दूसरे बुक को इंडिकेट नहीं करता था, इंटरलिंक नहीं करता था। पर यहाँ पर अब क्या कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा चीज़ें अच्छी करी। पहला बुक जैसे ही ख़त्म होगा तो जो लास्ट चैप्टर होगा वो सेकेंड बुक से कंपेयर करेगा, सेकेंड बुक को इंटरलिंक करेगा, ये बेटर चीज़ यहाँ पर रहती है। जिसके बाद क्या रहता है कि जो एक स्टूडेंट जब बुक को पढ़ रहा होता है तो उसकी स्टोरी माइंड में चलती रहती है और आगे स्टोरी बढ़ती रहती है, जिससे एक हिस्ट्री के स्टूडेंट को समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो चैप्टर इंटरलिंक करते हुए चले जाते हैं। तो अभी जो बुक यहाँ पे डिज़ाइन किया गया, जो नया सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, सारे सिलेबस एक दूसरे से इंटरलिंक है। पहले चैप्टर जो आगे पीछे लगे हुए थे उसको रीअरेंज किया गया, जिसके कारण से भी क्या है, चैप्टर जो एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए जाते हैं, जिससे आपको ईजिली समझने में मदद रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूँ इस बुक के अंदर में हम पढ़ते क्या हैं, तो एशियंट एंड मिडाइवल सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि प्राचीन और मध्ययुगीन समाज किस प्रकार का था, किस तरह से मानव का उद्भव हुआ, मानव ने अपने आप का विकास किस प्रकार से किया, प्राचीन जो समाज है समाज के अंदर में विकास किस प्रकार से हुआ, विकसित कैसे हुआ समाज, उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो आधुनिक विश्व है उसके और किस तरह से अग्रसर हुआ समाज, जो आधुनिक विश्व की ओर बढ़ने लगा तो किस तरह से बढ़ा, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इस पूरे बुक के अंदर में। अब एमएचआई 101 का जो अगर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करें तो टोटल इस पूरे बुक के अंदर में हमें 24
यूनिट्स के अंदर में पूरे बुक को पढ़ना है। 24 यूनिट्स हैं, 24 चैप्टर्स हैं, आप ये बोल लीजिए। पहले जो सिलेबस हमें पढ़ते थे उसके अंदर में टोटल 34 चैप्टर्स होते थे, यहाँ पे अभी 10 चैप्टर कम हैं आपके। 10 चैप्टर कम होने के साथ साथ में कुछ चैप्टर्स को बड़ा भी किया गया है, कुछ चैप्टर्स को हटाया भी गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं MHI 101 के सिलेबस के बारे में, और आगे इसी तरह के और वीडियोज़ के अंदर में दूसरे बुक के भी सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो यूनिट आप पढ़ते हो अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो प्राचीन मानव समाज था उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि आरंभिक मानव समाज किस प्रकार का था। इसके अंदर में हम पढ़ेंगे क्या, तो मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ, आरंभिक मानव किस प्रकार के थे, किस प्रकार से उन्होंने जीवन व्यापन किया, किस प्रकार से वो धीरे धीरे आगे विकसित होते चले गए, शिकार किस प्रकार से किया, संग्रहण किस प्रकार से किया, ठीक है, पशुपालन खानाबदोश की जिंदगी कैसे व्यतीत करी, वो सारा कुछ यहाँ पे आप कवर करने वाले हो। कृषि की ओर संक्रमण कैसे हुआ, ठीक है, नवपाषाण क्रांति कैसे हुई, दुनिया की ओर अग्रसर कैसे हुए, जो पहले के बुक के अंदर में 4 चैप्टर आते थे ना, स्टार्टिंग के 4 से 5 चैप्टर, वो सारा सारा आपको एक यूनिट के अंदर में पढ़ना है अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज़ के अंदर में, जहाँ पर आप बात करोगे मानव का उद्भव के बारे में कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव ने अपने जीवन व्यापन के लिए क्या किया, स्टार्टिंग के समय में मानव जीवन व्यापन के लिए जो डिपेंडेंसी थी वो किस प्रकार की थी, किस तरह से वो अपना जीवन व्यापन करता था, ठीक है, जीवन व्यापन के जीवन पालन के लिए वो क्या करता था, उसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो। सेकेंड चैप्टर आपका आता है ब्रॉन्ज एज के बारे में, जहाँ पे आप सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हो, ठीक है, यहाँ पे कांस्ययुगीन सभ्यताओं के बारे में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से सिविलाइजेशन हुआ, ठीक है, कांस्ययुगीन सभ्यताओं के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 पार्ट के अंदर में पढ़ना है, Part 1 और Part 2 करके। पहले ये दोनों चैप्टर्स नहीं होते थे, पहले एक पूरा पूरा एक ब्लॉक होता था कांस्ययुगीन सभ्यता का, ठीक है, जहाँ पे हम बात करते थे कांस्ययुगीन के अंदर में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते थे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जब यहाँ पे ब्रॉन्ज एज की शुरुआत हो जाती है, कांस्ययुगीन की शुरुआत होती है, तो मानव के जो जीवन व्यापन के तरीके में क्या परिवर्तन आया, मानव किस तरह से अपना जीवन व्यापन अब कर रहा था, उसके ऊपर क्या चीज़ें में परिवर्तन आता चला गया, समाज के अंदर में किस प्रकार से विकास हुआ, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोनों यूनिट के अंदर में। तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 यहाँ पे क्लियर हो जाता है हमारा, ठीक है। तो ये जो तीनों यूनिट थे आगे स्टार्टिंग के, ये तीनों यूनिट नए यूनिट हैं एक तरह से, आप ये मान के चलो। पहले के बुक्स में चैप्टर्स तो थे इनसे रिलेटेड बहुत सारे, ठीक है, पर अभी यहाँ पे बिल्कुल नए तरीके से यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। यूनिट 4 के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे बहुत सारी चैप्टर्स को स्किप करके डायरेक्ट आ जाता है पर्सियन एम्पायर के बारे में, जहाँ पे हम बात करते हैं फारसी साम्राज्य के बारे में कि फारसी साम्राज्य था क्या, ठीक है, पर्सियन एम्पायर। उसके बाद में आ जाता है एशियंट ग्रीस के बारे में, प्राचीन यूनान सभ्यताओं के बारे में कि यूनान सभ्यता है क्या, और यूनिट 6 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे रोमन एम्पायर के बारे में, रोमन एम्पायर किस प्रकार से विकसित हुआ, ठीक है, और रोमन एम्पायर के किस प्रकार से विकसित होता चला गया इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। साथ साथ में यहाँ पे लैटिन अमेरिका के बारे में आ जाता है, लैटिन अमेरिका किस प्रकार से विकसित हुआ, क्या खासियत रही, किस प्रकार से ग्रो किया, ये सारा कुछ आ जाता है। फिर अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका के अंदर में मानव का उद्भव किस प्रकार से हुआ, विकास किस प्रकार से हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे यूनिट 8 के अंदर में हम डिस्कस करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर अगर आप छोड़ देते हो, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 के बाद से जो आपके चैप्टर्स हैं वो सिमिलर चैप्टर्स हैं आपके पहले वाले सिलेबस से, जहाँ पे आपका जो 4th चैप्टर है पर्सियन एम्पायर का पहले आता था, ये 11 नंबर चैप्टर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये इस तरह से सारे चैप्टर सिमिलर हैं, इसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं की गई है, तो ये आपके चैप्टर्स रहने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 तक हो गया। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर हम 9 के बारे में बात करते हैं, तो 9 के अंदर में आता है आपका खानाबदोशी एम्पायर के बारे में, जहाँ पर आप पढ़ते हो कि खानाबदोश जो लोग थे, साम्राज्य किस प्रकार से विकसित किया, खानाबदोश साम्राज्य किस प्रकार से बने, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। चैप्टर यूनिट नंबर 10 या चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करें, तो लेट रोमन वर्ल्ड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जहाँ पर परिवर्तित रोमन साम्राज्य के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य परिवर्तित होता चला गया, किस प्रकार से चेंजेस हुई रोमन साम्राज्य के अंदर में, किस प्रकार से अधिपत कायम होता चला, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 11 के अंदर में आ जाता है अरब वर्ल्ड के बारे में, अरब साम्राज्य किस प्रकार से विकसित हुआ, इस्लाम धर्म का क्या उदय रहा, ठीक है, इस्लाम धर्म का स्वरूप किस प्रकार से रोल रहता है अरब साम्राज्य के अंदर में, अरब साम्राज्य का स्वरूप किस प्रकार से ग्रो किया, ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। और चैप्टर नंबर 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर चीन के बारे में कि चीन चाइना जो चीन है वो किस प्रकार से विकसित होता चला गया, ये सारे चैप्टर पिछले वाले बुक में भी थे और इस बुक के अंदर में भी आपको सिमिलर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चाइना के बारे में यहाँ पे आ जाता है। चैप्टर नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट यूनिट है यहाँ से, तो डिबेट ऑन फ्यूडलिज्म सामंतवाद
क्या है भाई, सामंतवाद के जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे सामंतवाद के विभिन्न दृष्टिकोण, पहले जो इस तरह के चैप्टर होते थे, डिबेट ऑन फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म फॉर्म्स स्ट्रक्चर एंड फेजेस, ठीक है। तो पहले ये फेजेस जो यहाँ पे आपको फेजेस दिख रहा है, पहले अलग से आता था सामंतवाद के चरण करके, एक अलग से चैप्टर बना हुआ था, अब इसको उठाकर एक ही में डाल दिया है, जिसके अंदर में हम बात करेंगे सामंतवाद कितने प्रकार के होते हैं, सामंतवाद का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, सामंतवाद के चरण कितने हैं, कितने चरण के अंदर में सामंतवाद विकसित हुआ। तो सामंतवाद जो चरणों के अंदर में विकसित हुआ तो कौन से चरण थे, वो इस चैप्टर के अंदर में यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो टोटल तीन इंपॉर्टेंट चीज़ आते हैं इस चैप्टर के अंदर में, जहाँ पर हम बात करते हैं सामंतवाद के रूप के बारे में, फॉर्म के बारे में कि किस प्रकार का है, स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी संरचना किस प्रकार की है, और उसके फेजेस के बारे में, कितने चरण हैं उसके, कितने पार्ट हैं उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में यहाँ पे ट्रेड एंड डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, किस प्रकार से जो व्यापार था, किस प्रकार से जो सामंतवाद था, व्यापार था और सामंतवाद का किस प्रकार से ह्रास हुआ, किस प्रकार से डिक्लाइन किया, उसके बारे में यहाँ पे हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16 के अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं ओशनिक ट्रेड के बारे में, समुद्री व्यापार के बारे में, कि समुद्री व्यापार किस प्रकार से हुआ, बिजनेस कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं, व्यापारिक समुदाय थे वो किस प्रकार से ग्रो किए, ठीक है। कमर्शियल जो यहाँ पे आपके वाणिज्यिक प्रथाएँ थीं, प्रैक्टिस थी, कमर्शियल प्रैक्टिस, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वाणिज्यिक प्रथाएँ, ठीक है। क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, शिल्प उत्पादन किस प्रकार से ग्रो कर रहा था, चैप्टर नंबर 19, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ में यहाँ पे आगे आप देखोगे चैप्टर नंबर 19 के बाद, तो यहाँ पे चार चैप्टर और पांच चैप्टर और आते हैं, चैप्टर नंबर 20, जहाँ पे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तथा ज्ञान का विस्तार हुआ, एक्सपेंशन किस प्रकार से हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। साथ साथ में चैप्टर नंबर 21, जहाँ पे हम रिलीजन का इस्टेब्लिश किस प्रकार से हुआ, ठीक है, धार्मिक संस्थाएँ किस प्रकार से बना, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। और चैप्टर नंबर 22 के अंदर में हम बात करते हैं कि किस प्रकार से शहरीकरण, ठीक है, अर्बनलाइजेशन जो होता है, शहरीकरण, वो किस प्रकार से बना, किस प्रकार से विकसित होना शुरू हुआ, ये इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 23 के यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के बारे में, ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार से वॉरफेयर हुआ, किस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई, युद्ध कौशल और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। और चैप्टर नंबर 24 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहाँ पर किस तरह से, यहाँ तक देखो, अब ऊपर के चैप्टर के अंदर में आपने डिस्कस किया कि किस तरह से धीरे धीरे विकास हुआ मानव का, आप सबसे पहला चैप्टर आप देखोगे यहां पर, तो पहले चैप्टर के अंदर में हमने डिस्कस किया कि आरंभिक मानव किस प्रकार का, अर्ली ह्यूमन किस प्रकार का है। दूसरे में हमने बात किया कि ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ तो नए नए तकनीक का उपयोग शुरू हुआ, फिर नए नए तकनीक से क्या हुआ, हम यहां पे हम बात करते हैं अंपायर्स के बारे में, साम्राज्यों के बारे में, जिसमें पर्सियन अंपायर आ गया, ग्रीक अंपायर आ गया, रोमन अंपायर आ गया, अमेरिकन अंपायर आ गया, लैटिन अमेरिकन, अफ्रीकन अंपायर आ गया, चाइना आ गया, ठीक है, खानाबदोश वाले आ गए, ठीक है, ये सारे बात कर लिया, अरब के बारे में बात कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं उनकी व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था के अंदर में क्या आया कि फ्यूडलिज्म व्यवस्था, तो फ्यूडलिज्म व्यवस्था किस प्रकार से विकसित हुआ, भारत के अंदर फ्यूडलिज्म व्यवस्था किस प्रकार का था, यूरोप के अंदर फ्यूडलिज्म व्यवस्था किस प्रकार से देखी गई, फ्यूडलिज्म व्यवस्था का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, फॉर्म किस प्रकार का है, फेजिस किस प्रकार का है, ये हमने वहाँ की व्यवस्था के बारे में समझा, किस प्रकार से पूरा रेगुलेशन था, व्यवस्था किस प्रकार की थी वो समझा। साथ साथ में हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ, उस व्यवस्था का अंत किस प्रकार से हुआ, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं व्यापार के बारे में, कहीं ना कहीं व्यापार और नगर जो उदय था वो जिम्मेदार था फ्यूडलिज्म व्यवस्था का डिक्लाइन का। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे क्या, ओशनिक ट्रेड का, जहाँ पे हम समुद्री व्यापार के बारे में बात करते हैं कि किस प्रकार से व्यापार विकसित हुआ और पूरे विश्व को अपने चपेट में लिया, व्यापार ने आर्थिक तौर पर समृद्ध बनाते चला गया। फिर बिजनेस कम्युनिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं, व्यापार हो रहा है तो कुछ ना कुछ व्यापारी भी तो होंगे, उनकी समुदाय भी तो होगा, तो बिजनेस कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर कमर्शियल प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, किस तरह के उनके वाणिज्यिक प्रथाएं थी, क्या क्या मान्यताएं थी, किस तरह के प्रैक्टिस की गई उनके द्वारा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो किसी ना किसी चीज़ का कर रहे होंगे ना, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, तो बिजनेस कर रहे हैं। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे हम शिल्प उत्पादन के बारे में बात करेंगे, जो उस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस का ट्रेडमार्क माना जाता था, जहाँ पे हम बात करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। फिर जब से, अब देखो, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया, बिजनेस के बारे में बात कर लिया आपने, वहाँ की व्यवस्था के बारे में बात कर लिया, व्यवस्था डिक्लाइन हो गया, बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लिया, क्या बिजनेस कर रहे वो भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में, विज्ञान और तकनीक के बारे में, तो वो किस प्रकार से बढ़ा, लोगों के अंदर में किस प्रकार से ज्ञान आया, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब उसके साथ साथ में रिलीजन जो धार्मिक प्रथाएँ हैं वो किस प्रकार से इस्टेब्लिश हुई, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में यहाँ पे हमने चैप्टर नंबर 21 के अंदर में डिस्कस कर लिया कि रिलीजन्स ये सारी थी और इस तरीके से वो आगे ग्रो करें।
उसके साथ साथ में अब ये सब चीजें हो गई, रिलीजन आ गया, व्यापार आ गया, सब कुछ आ गया, तब उसके बाद हम क्या बात करते हैं शहरीकरण के बारे में भाई, अर्बनलाइजेशन के बारे में, कि शहरीकरण बना कैसे, शहर बना कैसे, नगर बना कैसे। अभी तो स्टार्टिंग के चैप्टर हमने बात किया कि लोगों के पास अपना घर नहीं था, आदि मानव थे, आरंभिक मानव थे, तो धीरे धीरे किस तरह से ग्रो करके शहर की ओर विकसित हुए, ठीक है, शहरीकरण का किस प्रकार से शुरुआत हुआ, यहाँ पे आप डिस्कस कर लेते हो। साथ साथ में कई सारे युद्ध लड़े गए, ठीक है, युद्ध कौशल किस प्रकार थे, टेक्नोलॉजी का इसमें क्या यूज था, कम्युनिकेशन किस प्रकार से हुआ, ठीक है, संचार प्रौद्योगिकी जो थे वो किस प्रकार से ग्रो किए, उसके बारे में यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 23 के अंदर में डिस्कस करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है 24, जहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो मानव जो था आरंभिक मानव किस तरह से परिवर्तित होता चला आया चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 के बीच में, और चैप्टर नंबर 24 के अंदर में मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर मॉडर्न वर्ल्ड की ओर किस तरह से बढ़ा, किस तरह से चेंज हुआ, ठीक है, मिडाइवल सोसाइटी से सीधा मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, वो हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 24 के अंदर में स्टडी करते हैं, ठीक है, समझ में आता है। तो यहां पे 24 चैप्टर आपको MHI 01 जो पहले बुक होती थी उसके अंदर में 34 चैप्टर होते थे, यहां पे MHI 101 के अंदर में 24 चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलने वाले हैं, ये समझ में आ जाता है। अगर हम ये हमारा तो न्यू सिलेबस है, इसको स्टडी कैसे करना है वो अभी अब थर्ड सेगमेंट के अंदर में बात करेंगे। अगर हम इससे पहले वाला सिलेबस देखें MHI 101 का, जो आपका ये पहले बुक होती थी MHI 101, जो 8 क्रेडिट की बुक आती थी, इसके अगर हम सिलेबस देखें तो इसके अंदर में सिलेबस क्या होता था, सिलेबस आपका कुछ इस प्रकार से रहता था, जिसके अंदर में टोटल ब्लॉक्स के अंदर में चैप्टर्स बटे होते थे, अर्ली ह्यूमंस एंड सोसाइटीज के बारे में हम बात करते थे, जहाँ पर ये 4 चैप्टर 5 चैप्टर आ जाता था कि मानव किस तरह से संग्रहण करता है, किस तरह से गैदरिंग करता है, ठीक है, किस प्रकार से खानाबदोश की ज़िंदगी व्यतीत किया, किस प्रकार से एग्रीकल्चर की ओर ट्रांसफॉर्मेशन किया, ठीक है, जो नवपाषाण क्रांति थी वो किस प्रकार से हुई और उसके ऊपर वर्ल्ड के ऊपर में इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, वो उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते थे पहले ब्लॉक के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे जो चैप्टर थे उनको वो छोटे छोटे यूनिट्स के अंदर में या छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर में उठाकर एक ही चैप्टर के अंदर में डाल दिया, जहाँ पे हम बात करते हैं अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में, ठीक है। और दूसरा चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ने वाले थे अपने नए सिलेबस के अंदर में ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के बारे में, जहाँ पर हम 2 पार्ट में ब्रॉन्ज एज को पढ़ने वाले थे। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ब्लॉक है ब्रॉन्ज एज का, जहाँ पे 4 चैप्टर आते हैं कि किस प्रकार से कल्चर है, नेचर है, अर्ली सिविलाइजेशन के बारे में ये सब पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के बारे में पढ़ते हैं, फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इकोनॉमिक्स जो किस प्रकार से थे ब्रॉन्ज एज के बारे में वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। और उसके साथ साथ में अगर आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ से आपका ये पहला और दूसरा यूनिट को अगर छोड़ दो तो यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, जहाँ पे पर्शियन एम्पायर आ गया आपका, एशियंट ग्रीक आ गया, रोमन एम्पायर आ गया आपका, उसके साथ साथ में लैटिन अमेरिका आ गया, अफ्रीका आ गया, ठीक है, और यहाँ पे खानाबदोश एम्पायर हो गया। तो ये चैप्टर सारे क्या है, सिमिलर है, ये चैप्टर आपके सारे सिमिलर है, इसके अंदर में कोई चेंजेस नहीं है। उसके साथ साथ में अगर आप बात करो तो यूनिट नंबर 4 के अंदर में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, खानाबदोश, ठीक है, ये सारे सिमिलर चैप्टर हैं। लेट रोमन वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड, चाइना, ये सारे सिमिलर हैं। आपके फ्यूडलिज्म के बारे में बात करो, डिबेट ऑन फ्यूडलिज्म सिमिलर चैप्टर है। यहाँ पे जो फेजेस वाला चैप्टर है पहले अलग से आता था ये पुराने सिलेबस के अंदर में, अभी यहाँ पे इकट्ठे दे दिया, जहाँ पे फ्रॉम्स जो उसके स्वरूप स्ट्रक्चर संरचनाएं और उसके जो चरण है वो तीनों को हम एक ही बार में पढ़ने वाले हैं। डिक्लाइन वाला चैप्टर भी आपका सिमिलर है। उसके साथ साथ में नीचे आप बात करो तो ये सारे चैप्टर सिमिलर हैं, ओशनिक ट्रेड हो गया, बिजनेस कम्युनिटीज़ हो गया, कमर्शियल प्रैक्टिस हो गई और क्राफ्ट प्रोडक्शन हो गया, सारे सिमिलर चैप्टर्स होने वाले हैं। साथ साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा चैप्टर बहुत सारे थे उसको हटाया गया है, जहाँ पे साइंस और टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर तो हैगा आपके बुक के अंदर में, लिटरेचर वाला जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है, रिलीजन स्टेबलिशमेंट ये हैगा, और ये ट्रांजिट टू मॉडर्न वर्ल्ड ये वाला चैप्टर आपका 24 नंबर चैप्टर है, उससे पहले आपका आ जाता है ये अर्बनलाइजेशन और टेक्नोलॉजी ऑफ वेलफेयर कम्युनिटीज़, इस तरह करके आगे पीछे किया गया, कुछ चैप्टर जो एक्स्ट्रा चैप्टर थे उनको हटाया गया, ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन ये जो था आपका ये भी हटा दिया गया है, ठीक है, किनसी पैटर्न ये भी हटा दिया गया, फैमिली स्ट्रक्चर ये भी हटा दिया गया है, साथ साथ में आपका लिटरेचर वाला जो चैप्टर है ये भी हटा दिया गया है। तो इस तरीके से आपका पूरा नया सिलेबस रहने वाला, पुराना सिलेबस क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ कि भाई अब हम स्टडी कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो बुक है नहीं, प्राइवेट बुक जो हमें मार्केट से मिलती थी, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक होती थी, चाहे नीरज की बात करो, गुली बाबा की बात करो, वो अभी तक आई नहीं है, पुरानी बुक से स्टडी हम कर नहीं सकते,
नई बुक है नहीं, इग्नू से मिली नहीं है, सॉफ्ट कॉपी है नहीं, तो स्टडी करे कैसे? तो यहाँ पर दीन अब आपका हेल्प करने वाला है। दीन अब के ऊपर हम पहले से ही बहुत सारी एम ए हिस्ट्री की वीडियोज़ डली हुई हैं, बट अभी नीड टू चेंज है क्योंकि नया सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें नए वीडियोज़ डालने की ज़रूरत रहेगी। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो चैप्टर सिमिलर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1, 2, 3 छोड़ दिया जाए, चैप्टर नंबर 4 आपका सिमिलर है पुरानी वाली बुक से, और बाकी इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 4 से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो, जहाँ पर हम पर्सियन एम्पायर के बारे में बात करेंगे, एशियंट ग्रीक के बारे में बात करेंगे, रोमन एम्पायर के बारे में बात करेंगे, अमेरिका के बारे में बात करेंगे, अफ्रीका के बारे में बात करेंगे, ठीक है, खानाबदोश साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से जो भी आगे जो चैप्टर हैं जो पुरानी वाली बुक से सिमिलर हैं उसको हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, उसको यहाँ पे मैं पढ़ाने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे आपका कुछ सिलेबस कवर होता चला जाएगा। ठीक है, सिलेबस चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे पर्सियन एम्पायर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जो राजा था वो बदल गया, ठीक है, सिलेबस चेंज किया तो बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है, राजा वही रहेगा, उसी की हिस्ट्री पढ़नी है, बस थोड़ा सा पैटर्न आगे पीछे करके बताया जाता है और कुछ नहीं। कुछ नया चीज़ें ऐड किया गया होगा सिलेबस के अंदर में, बाकी चीज़ें वही रहने वाली है, कुछ चैप्टर्स को हटाया जा सकता है, कुछ चैप्टर्स को ऐड किया जा सकता है, हिस्ट्री के अंदर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जा सकता, बस यही चीज़ें रहती हैं। ठीक है, ये अपने माइंड में रखो। और यहाँ पे हम यूनिट नंबर 4 से स्टडी करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। जब आपकी बुक आएगी तो जो आगे की यूनिट है उसको भी मैं स्टडी यहाँ पे करवा दूंगा, उसकी वीडियोज़ भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 से, और जो बाकी बुक्स हैं आपके जो सेमेस्टर फर्स्ट की उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनकी बुक्स का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, जो सिमिलर चैप्टर से उनको हम लेकर आएंगे, और जो बाकी रह गए उनको हम ड्रॉप करेंगे आगे के लिए, आगे जब बुक आएगी तब उसको स्टडी करने वाले हैं। साथ साथ में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपके आसपास में कोई दोस्त है, कोई जो भी जान पहचान का है, कोई बुक की दुकान है, वहाँ से आप पुरानी वाली बुक लो जो सिमिलर चैप्टर्स है, ऑलमोस्ट 15-16 चैप्टर जो है सिमिलर है, या ज़्यादा ही चैप्टर सिमिलर है, उनको आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप अभी से स्टडी करोगे तो आप ईजिली अपना सिलेबस कवर कर पाओगे, क्योंकि बुक्स बड़ी हैं, लेंथी हैं। पहले भी ये बुक आती थी जो साल भर में स्टडी करना होता था, अब इसी बुक को हमें 6 महीने में स्टडी करके एग्ज़ाम देना है। तो आपको अभी से स्टडी करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेबस कहीं जाकर कंप्लीट होगा और आप अच्छे नंबर ला पाओगे। तो यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगा आप सभी व्यूवर से कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, एमए हिस्ट्री का जो सेमेस्टर फर्स्ट का ग्रुप होगा न्यू सिलेबस का, उस ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, जो न्यू एडमिशन लिए हैं एमए हिस्ट्री के अंदर में, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट करना, मैं लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर लेना एम हिस्ट्री के ग्रुप को। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और किसी और वीडियो के अंदर में मिलते हैं नए सिलेबस के साथ में, किसी और बुक के सिलेबस के साथ में, और डिस्कस करते हैं कि बुक का सिलेबस क्या है और कैसे स्टडी कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को।